बचे हुए हैं। उसी प्रकार अयोध्या का एक रूप मुंबई की बात की जाए, मुंबई में भी वही जोश और एक भव्य उत्साह देखने को मिल रहा है मुंबई में भी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोगों में बहुत खुशी है। जिस प्रकार से आज भूमि पूजन पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या में किया जा रहा है, तो हम इनसे बताएंगे आज लंबा इंतजार, वो इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी जिस प्रकार से भूमि पूजन कर रहे हैं अयोध्या में, तो अयोध्या के अलावा मुंबई में किस प्रकार से इस उत्सव को आप मना रहे हैं? देखिए, ये पहले तो ऐसी है कि 5 अगस्त एक ऐतिहासिक तारीख बन जाएगी, क्योंकि गए साल 5 अगस्त को 370 हटा था, ये एक साल में आप देखेंगे कि 370 ट्रिपल तलाक, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक विषय लेके आए। और सालों सालों से जो हमारे कार सेवक कोठारी बंधु जी और जितने लोग थे पुराने हमारे, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारे मार्गदर्शक है, वैसे लोगों ने जो जिस जुम्बेश निकाली थी, वो जुम्बेश का आज अंत आया है। और आज हमारे रामलला को मंदिर की जगह पे हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। जो आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, वो गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान में इतने सालों के बाद हमें ये मौका मिला है। आज का सुवर्ण दिन सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना भूतो ना भविष्य, हमारे जिंदगी में तो ये सुनहरा मौका कभी, मीन्स हम ऐसे मानते कि वी आर वेरी लकी कि हमारी जिंदगी में ये दिन आया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर संघनाद भी हो रहा है, संघनाद के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो प्रशांत जी, आप अयोध्या नहीं पहुँच पाए क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस बीच बहुत लिमिटेड लोगों को ही वहाँ पर लोगों को इनवाइट किया गया है, तो आप किस प्रकार से खुद को अयोध्या पूजा में, आपको भूमि पूजन में आपको खुद को शामिल किया, किस प्रकार आज आपने यहाँ पर पूजा अर्चना की है? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता के साथ में मिलकर हमने यहाँ पे एक पूजन का कार्यक्रम किया है। तो ऐसे ही हम लोग, अभी कोरोना वायरस है तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम लोग ने ये मनाया। तो आपने कभी सोचा था जो आज एक पूरे भारत में एक राम राम के जो नारे लग रहे हैं, हर किसी में खुशी है, लोग आज दिवाली की तरह नए कपड़े पहन के, लोग इतने उत्साह के साथ है, आपने कभी सोचा था इस तरह से ये चीजें देखने मिलेंगी आपको? जी, ये तो आना ही था। क्यों, क्या क्या लग रहा था, और भी सरकार ये कर सकती थी या फिर भाजपा ही कर सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि करने की हमारे में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो हमारे पंत प्रधान मोदी जी में थी, और हमारे वरिष्ठ सीनियर जो हमारे नेता थे उनकी इच्छा थी, उनका सपना था, हमारे वाजपेयी जी का सपना था, हमारे अडवाणी जी का सपना था, जो आज मोदी जी ने पूरा किया है। तो ये हमारा सपना ही था और ये होना ही था, और ये होना ही था वो हम लोगों को पहले दिन से मालूम था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब ये ही वॉर से, हम बता सकते हैं हमारे नवीन भाई जी, हमारे फकीर चंद जी, ये सब यहाँ से 92 में कार सेवक के नाते गए हुए थे। तो ये हम लोगों ने बोलते हैं बाल संस्कार होता है, ये संस्कार ही हम देख के पले बड़े हुए, तो ये होना ही था और मोदी राज में तो होना ही था। नहीं, अभी जो शिलान्यास हुआ है तो वही हमारे लिए बड़ी खुशी है, और हम जाएंगे ये कोरोना वायरस के बाद वहाँ मंदिर, मतलब राम जी के पैर पड़ के हम आशीर्वाद लेंगे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी है। जिस प्रकार से आज लोग यहाँ पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनका यही ख्वाहिश है, उनकी यही अब कामना है कि जल्दी ही कोरोना वायरस खत्म हो और वो भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचे और वो दर्शन कर पाए। इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से बार बार एक संघनाद के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोगों में एक जोश और आज उन्होंने मोदी जी ने अच्छा स्वरूप किया है, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता सब समाज एक साथ आकर ये सब अयोध्या करना ही चाहिए? अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सब समाज को साथ में आके ये करना ही होगा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू तो बन के ही रहे। ये राम मंदिर में मैं सोचा था, कल्पना नहीं करने का होता है, हर पार्टियां उसके विरोध करता था, सिर्फ एक ही पार्टी था राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनना चाहिए, वो कौन सा पार्टी? बीजेपी। इसलिए मैं स्वयं ये हमारे एरिया से, मैं झोपड़पट्टी में रहने वाला, स्वयं हमारे एरिया से जिनाल रेर के आगे ये पार्टी में शामिल हुआ। आज ये राम मंदिर हमारा भारतीय पार्टी का कोशिश में मंदिर सपना हो रहा है, वो भी हमारा पार्टी का नरेंद्र मोदी साहब के तरफ से ये भूमि पूजन हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा खुशी है। इसलिए मैं इतना खुशी है, मेरे को बोलने की नहीं होता है, इतना खुशी है, इसलिए अपना करोड़ों हिंदू के लिए ये बहुत बड़ा खुशी है। इसलिए ये इसमें आज पीएम मोदी ने अयोध्या में जाकर पूजा अर्चना की है,
जिस प्रकार से भूमि पूजन के उनके हाथों से शुरुआत की गई है, भूमि पूजन किया गया, उनके द्वारा जो राम लिखा हुआ है, एक ईंट रखा गया है, तो वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी मुंबई में इस समय क्या दृश्य और क्या माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा नगर सेविका सेजल के, अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो ऑफिस को भी बड़ी खूबसूरती के साथ, लाइटिंग के साथ, इस भारी बारिश के बीच में किस प्रकार से सजाया गया है।